पब्लिक टीवी आपकी आवाज। फरवरी में होने वाले IHGF फेयर की अध्यक्षा प्रिया अग्रवाल ने EPCH हाउस में सोमवार को बैठक का आयोजन किया। इसमें EPCH ने स्प्रिंग फेयर 2024 के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। इसका लक्ष्य 2030 तक निर्यात 3 गुना करना बताया गया। निर्यातकों ने 3x30 तक का संकल्प लिया। 97वां IHGF दिल्ली मेला 6 से 10 फरवरी तक इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। 900 स्थायी शोरूम सहित 16 हॉल्स में 3000 से ज्यादा प्रदर्शकों, 100 से अधिक देशों से क्रेता, थीम पवेलियन, शिल्प प्रदर्शन, नॉलेज सेशन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और लाइव क्राफ्ट प्रदर्शन होगा। इसमें घर, फैशन, जीवन शैली, फर्निशिंग और फर्नीचर के 14 प्रमुख स्टॉल शामिल होंगे। घरेलू सामान, साज सज्जा, फर्नीचर, उपहार और सजावटी लैंप और प्रकाश व्यवस्था, क्रिसमस और उत्सव की सजावट आभूषण शामिल होंगे। इसके अलावा कालीन, उद्यान, शैक्षिक खिलौने और खेल, हस्तनिर्मित कागज उत्पाद और स्टेशनरी चमड़े के बैग का स्टॉल लगाया जाएगा। महिला उद्यमी प्रिया अग्रवाल ने कहा कि दुनिया भर से आने वाले खरीदारों की बड़ी संख्या को देखते हुए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। उन्होंने IHGF दिल्ली मेले में अध्यक्ष के रूप में नामांकित होने पर हर्ष व्यक्त किया। EPCH के अध्यक्ष दिलीप बेद ने कहा कि हस्तशिल्प क्षेत्र की भविष्य की तैयारियों के लिए दक्षताओं को बढ़ाया जा रहा है। EPCH के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना ने कहा कि हमारा मिशन तभी सफल हो सकता है जब हम विनिर्माण और निर्यात के सभी पहलुओं पर निर्माण करेंगे। एक फेयर है जो दिल्ली एक्सपो मार्ट में ग्रेटर नोएडा में लगने जा रहा है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अ प्रेसिडेंट इस फेयर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 6-10 फेब में लगने जा रही है। जो इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसमें हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी रहेंगे, उनके साथ ही शिरकत करेंगे AK शर्मा जी हमारे मिनिस्टर, और दूसरे मिनिस्टर हमारे रहेंगे सुरेश खन्ना जी, और अलग अलग हम लोगों ने बात की कि अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग रहेंगे। जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें नंदन जी रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।